Actually, I make them understand the difference between a vendor and a planner. ये बहुत बड़ा brain block है mind block है हम सबके अंदर कि event manager is equivalent to any vendor. मंडप वाला भी event कर लेता है कोई choreographer भी event कर लेता है खाली ये सोचो कि अहमदाबाद में अगर Martin Garrix without alcohol perform करके 6000, 8000 लोग gather कर सकता है तो सूरत इज़ द नेक्स्ट बिग थिंग अहमदाबाद में खाली आर्टिस्ट शोज होते हैं मेजरली सूरत सिटी में तुम फ्री पासिस के लिए कॉल करो ही मत पहली बात। तो हाँ द रीज़न इज़ अब मूवी देखने जाते हो तो किसको फ़ोन लगाते हो अनुराग कश्यप को फोन लगाते हो या मुकेश अम्बानी का फ़ोन लगाते हो कि रिलायंस इज द फाउंडर एंड दे आर दी प्रोड्यूसर्स ऑफ द फिल्म तो उनको फोन लगा के बोलते हो कि मुझे दो टिकट चाहिए तुम्हारी पहचान होगी पहचानोगी तुम्हारा बाप नहीं ला देने वाला तुमको गाइस माय नेम इज अभिषेक एंड वेलकम बैक टू न्यू एपिसोड ऑफ एबियोलिक पॉडकास्ट विद नील यस अगर आप सूरत से हो तो आपने व्हाइट फ्ले का तो नाम सुना ही होगा ये अटेंड भी किया होगा उसके पीछे जो पर्सनालिटी उसके पीछे जो माइंड है उसी को मैंने अपने चैनल पे बुलाया और हमने बहुत डिस्कशन किया कि कैसे वो आज यहाँ तक पहुंचे हैं और इतने सक्सेसफुल इवेंट्स कैसे कर लेते हैं और क्या अप्रोच रहता है उनके पीछे सो so, हमने बहुत अच्छी बात की है आप पूरा इस वीडियो को देखो एपिसोड को इंजॉय करो काफी लंबा है लेकिन बहुत अच्छी बात हुई है आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी एंड यस yes, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो जाके अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो एंड बेल आइकन को दबा देना नहीं तो आने वाले एपिसोड को भी आप मिस कर दोगे सो यस बिना वक्त गवाए आज का एपिसोड स्टार्ट करते लेट्स स्टार्ट टूडे पॉडकास्ट एंड एंजॉय दिस एपिसोड ये जो नाम है नील चौकसी मेरे व्यूअर्स जो सूरत के कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा लेकिन जो सूरत के बाहर से इस पॉडकास्ट uh, को देख रहे हो तो मैं आपसे पहला क्वेश्चन ये पूछा हु आर यू एट दिस करंट पोजिशन एट दिस करंट ऑफ टाइम मैं सिंपल सा नॉन अचीव्ड बंदा हूँ आई फील दैट एंड आई से कि आई एम जस्ट नील ट्राइंग टू डिफाइन वॉट नील इज नील चौक से भी नहीं बोलूँगा

And also owning events like the White Flea, Let's Giggle, and various other IPs that we designed. Okay. So uh, आप बोल रहे हो कि आप event industry में पंद्रह साल से हो तो ये experience like आपने जब आपने start सोचा कैसे था कि इस field के अंदर ये मेरा interest है क्योंकि जो बहुत सारे आपने बोला था 21 की एज से आपने स्टार्ट किया पंद्रह साल पहले उस टाइम पे एक यूथ को पता ही नहीं होता है कि अपना मतलब कहते हैं ना कि फील्ड कैसे सेलेक्ट करना है uh, मैं हमेशा हर यंगस्टर्स से आजकल के जनरेशन से या कोई भी जो मेरे पास गाइडलाइन लेने आता है मैं उन सबको फिर सिर्फ एक ही बात बोलता हूँ कि जस्ट गो विथ योर गट फीलिंग जहाँ मज़ा आ रहा है वहाँ रहो इट इज़ नॉट अबाउट अर्निंग हाउ मच इट इज़ अबाउट वॉट यू अर्न फॉर योर पैसा उतना ही चाहिए कि दो टाइम की आप रोटी सब्जी खा सको या तो दाल चावल खा सको सही है उससे आगे पैसे की वैल्यू ऐसे तो कुछ नहीं है राइट एज शाहरुख खान सेज़ दैट मनी कैन बाई हैप्पीनेस आई ऑल्सो एग्री टू दैट आई डोंट गो बाई द सेंग्स वॉट आर एल्डर्स एंड एंड सिस्टर्स एव टोल्डर्स की मनी कैन नॉट बाई हैप्पीनेस मर्सिडीज़ में रोना हमेशा मजा ही आएगा बट मर्सिडीज़ ना होगी तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा यू कैन ट्रांजिट यू कैन ईट तो तब वो एक खाली था कि मैं कॉलेज टाइम से फ्री करने जाता था सो आई स्टार्टेड माई करियर वे बैक विथ एक कंपनी के लिए मैं रोड साइड पे खड़ा रहकर ली फ्लेटिंग करता था ओके okay. सो वहाँ से मेरे करियर की शुरुआत वो कंपनी भी इवेंट इंडस्ट्री हाँ वो इवेंट इंडस्ट्री की बहुत बड़ी नामचीन कंपनी है तो आज तो... से पंद्रह साल पहले लीफ तो मैं कॉलेज साइड से बस चला गया था कि सही है सही है फ्री बैठे करेंगे क्या छः घंटे का काम है चले जाते कुछ पैसा आएगा द फर्स्ट सैलरी दैट आई रिमेंबर वॉज वर्किंग सिक्स आवर्स एक वाइन शॉप के बाहर खड़ा रहकर मैं लीफलेट्स बांट रहा था जॉनी वॉकर ब्लैक लेवल के ओ, और ओ, वो लीफलेट्स बांटने के मुझे छः घंटे के तीन सौ रुपये मिले थे ओके तो आप मतलब गुजरात में नहीं थे नहीं मैं बैंगलोर था बैंगलोर थे राइट मैं पढ़ाई करने बैंगलोर गया तो वाइन शॉप की बात हुई ना तो मैं थोड़ा एक बार मैं भी सोचने लगी सो so, हाँ <laughs> मेरी मेरी <laughs> जर्नी काफ़ी इंटरेस्टिंग इन द इनिशियल स्टेज रही है और वो अभी भी आई ट्राई टू तो कीप माई लाइफ जर्नी ऑल्सो इंटरेस्टिंग इन द सेम वे बिकॉज आई स्टार्टेड विथ पहले तो कॉमर्स लेकर ट्वेल्थ खत्म किया ओके फैमिली में सारे सी एज हैं ओके okay. मेरे फैमिली में मेरे पापा की जनरेशन में देर आर इलेवन सी एस इन दी फर्स्ट फैमिली राइट राइट तो घर से वही था कि एक कॉमर्स बैकग्राउंड से बिलोंग करता है द फैमिली बिलोंग्स टू इनकम टैक्स सेल्स टैक्स प्रॉप प्रैक्टिस तो उसी में तो इन्वॉल्व हो जाता है बी कॉम कर ले और साथ में सी ए कर ले सी mm ए -hmm. कर ले सी एस कर ले सी एफ ए कर ले वो सब जो जो बी बी ए कर ले वही था प्रॉपर कॉमर्स बैकग्राउंड तो आई टुक बी कॉम सही है मैं पहला सेमेस्टर बीकॉम दो साल में पास नहीं हुआ था अच्छा सो फर्स्ट ईयर आई वेंट टू कॉलेज आई डिड नॉट फील इंटरेस्टेड सो मैंने घर जाके बोल दिया कि मैं टेबल पर बैठ के काम नहीं कर सकता राइट सो आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर दे यू टू एक्सप्लोर दैट द टाइम आई टी इंडस्ट्री पिक टप राइट पंद्रह साल पहले 15 साल आई टी इंडस्ट्री जस्ट पिक हुआ था जब mm -hmm. ये कहा जाता था कि पुणे इज द आई टी हब हाँ बैंगलोर हैदराबाद जब चालू हुआ था तब की बात है सो so, घर पर जाकर मम्मी पापा को बोला तो मम्मी पापा वर, वर वेरी सपोर्टिव एट दैट दे कि ठीक है तेरे को जो करना है कर सेकेंड पर उन्होंने ये बोला था कि तू बी कॉम की एग्जाम्स एक्सटर्नल में ही पास करने की ट्राई तो कर लेकिन डिग्री आ जाएगी आई ट्राई बट दिमागी नहीं था वहाँ पर तो दिल नहीं लग रहा था सो आई फेल्ड अगेन देयर मैं एग्जाम में जाके मेरे टोटल मार्क्स वॉज वन टू सेवन टेन दैट वॉज माई हाइस्ट मार्किंग इन माई बी कॉम सर्टिफिकेट सो आई क्वेट दैट आई डिट माई डिप्लोमा इन आई टी एंड बाई गॉड्स ग्रेस एंड द इंटेलिजेंस दैटेज हैड मुझे मज़ा आ रहा था पर मैं टॉप किया वहाँ पे राइट सो आई टॉप दैट कॉलेज इन सूरत बट अगेन वापस ये सेल्फ रियलाइजेशन आ गया कि पूरा दिन तो मैं डेस्क पे ही बैठूँगा क्योंकि जो काम है वो डेस्कटॉप से ही होगा या तो एक पी के सामने होगा मैम सो मैं तो ये भी नहीं करना है आई वॉन्ट स्टिल एक्सप्लोर दे सेट गोड सो आई वेंट ऑन टू डूइंग माई बैचलर नहीं डिप्लोमा इन हॉस्पिटैलिटी ओके okay. जहाँ पे मैंने बोला था मैं केविन क्रू और ये सब सीखता हूँ अच्छा सो दट इज़ वन आई गॉट इंट्रोड्यूस टू समिंग लाइक हॉस्पिटलिटी एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जहाँ पे एडिट मैं डिप्लोमा इन हॉस्पिटलिटी एंड विद द प परेक्टिव के बिन क्रू ज्वाइन करूँगा सही वहाँ पर भी टॉप किया बट देन बाई द टाइम आई कम्प्लीटेड मैं डिप्लोमा आई वॉज आज की ट्रेनिंग लेने कहाँ जाना है कौन से सेक्टर में जाना है तब मैं बैंगलोरी होटल्स नहीं तब मैं सूरत था Nahi, अच्छा आगे थे सूरत पहले सूरत था यहाँ से बैंगलोर की जर्नीस्ट ओके ओके सो होटल इंडस्ट्री में जाना है फ्लाइट कंपनी में या एयरपोर्ट पे ट्रेनिंग लेनी है या कोई टूरिस्ट कंपनी में आई टूरिज्म नहीं, केबिन क्रू भी नहीं बट आई एल गो टू होटल्स ओके सो देन आई वेंट टू बैंगलोर टू डू माय इंटर्नशिप एट ताज गेट वे बैंगलोर आई लैंडल इंडस्ट्री बैंगलोर जब तो तब बैंगलोर फोकस में नहीं था बट समहाउ आई फेल्ट कि उतना पैसा ऑस्ट्रेलिया में डालो वैसा एजुकेशन इंडिया में भी अवेलेबल है इट्स जस्ट द डिफरेंस इन द फैसिलिटीज दैट दैसेज प्रोवाइड कि शायद इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया से सौ गुना बेटर होगा बट चीज़ें तो वही सिखा रहे है बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे दिस इंडस्ट्री इज ऑल अबाउट एक्सपीरियंस तो आई डेट मैं एजुकेशन एट बैंगलोर फर्स्ट ईयर ज्वाइन किया तो तब तक हम बैंगलोर देख लिया था सीनियर्स mm. थे काफ़ी दोस्त बन चुके थे इन दो फर्स्ट थ्री वान्स तो देन किसी दिन एक जन दिन आके पूछा कि नील पार्ट टाइम करेगा कुछ काम कॉलेज के बाद में तो मेला होता है ना सही आई सेड येस एंड स्टार्टेड वर्किंग एंड दैट्स हाउ आई लैंडेड आउटसाइड ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ बैंगलोर एंड स्टार्टेड माई फाइट देर कि अब मैं काम ये इंडस्ट्री में कर रहा हूँ तो वहाँ से वो जर्नी स्टार्ट हुई एंड बाई द टाइम आई कंप्लीटेड माई बैंगलोर डिग्री आई क्लियर इट विथ डिस्टिंक्शन देर Okay, good. <laughs> तो करियर वाइज वो फोकस पॉइंट मिल गया था कि चलो ये एजुकेशन इज समथिंग दैट इज गन हेल्प मी इन माय करियर एंड तब तक मैं इतने काम कर लिए थे कि जो जर्नी तीन सौ रुपये से स्टार्ट हुई थी आई क्विट बैंगलोर मेरा एक दिन का दो घंटे का पेवस थ्री थाउजेंड रुपीज और वहाँ पर भी ऐसा बोला जाता था कि नील काम तभी करेगा जब उसको असिस्टेंट मिलेगा ओ आई डिड माई होल जर्नी आउट देर एंड देर आई वॉज वर्किंग विथ सनबर्न सिबसॉनिक स्म ऑफ ब्लैक लेवल वोल यू नेम एन एल्कोहलिक ब्रांड आई वर्क विद दैम आई यूज टू डू बार टेंडिंग एट दैट टाइम एज अ फ्री लैंसर क्योंकि होटल मैनेजमेंट था बार टेंडिंग कम्स इन सिंक सो वहाँ से वो एंटरटेनमेंट का चस्का चढ़ा एंड इन दीज फोर ईयर्स फ्राम दैट स्ट्रीट आई स्टिल रिमेंबर वर्किंग फॉर समबडी इनसाइड दी चिन्नास्वामी स्टेडियम फॉर चैम्पियंस लीग टू होस्टिंग थ्री टाइम्स वो स्टेडियम में आई पी एल के बार जो होते हैं बैक एरियाज़ में मेरे अंडर में हंड्रेड बार अटेंडेस मैं लेके जाने लगा सो आई हैव सीन दैट होल जर्नी इन टर्म्स ऑफ स्ट्रगल वो लेवल पे कि जहाँ पे मैं मेरा कोई वैल्यू नहीं था बिकॉज वो शहर में कोई ये भी नहीं जाता था कि नील कौन है नील चौकसी तो बहुत दूर की <laughs> और वो जब वहाँ पे रियलाइज हुआ कि तीन सौ रुपये का लाइक इफ आई लुक एट माई फैमिली बैकग्राउंड तो इतना तो जरूर मैं बोल सकता था कि घर वालों को बोलता तो शायद ये ऑफिस जहाँ पे मैं बैठा हूँ आठ साल के बाद वो ऑफिस मुझे पहले साल में मिल जाती अगर आप वहां होते तो अगर मेरे पापा मम्मी को मैंने ये बोला बोल, होता आ, था आ, बोल ये कि से किया तो वो थॉट ही वैसा था कि जस्टिफिकेशन ऑफ समबडी बींग आज आप कौन हो ये आप आईने में देख के जवाब दे सकते हो इफ यू कैन वन लाइनर भी क्यों ना हो दैट इज वेन यू अचीव समथिंग ये मेरा मानना आपका डिटर्मिनेशन जो है ना आपकी चीजों को लेके लाइफ में क्या करना है कैसे चीजों को देखना है कैसे किसको हाँ बोलना है राइट right? वो आपके माइंड को आपको समझाने की जरूरत नहीं है यू नो सो इट फीलिंग सेट तो आपको काम लगेगा ही लगेगा हाँ तो आपके लिंक्स एंड कनेक्ट तो काम लगेंगे ही लगेंगे बट हाउ डिटरमाइंड आर यू टू डू समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट शायद मैं एक अच्छा इवेंट वाला ना भी हूँ मेरा फोकस कितना स्ट्रांग है वो अचीव करने के लिए कि ये डिलीवरेबल मैं दू कि ना दू और कैसे दूंगा राइट right. कैसे दूंगा कि उसके लिए तो पूरी टीम आ जाएगी बहुत सारे लोग वो सपने के साथ जुड़ जाएंगे बट आप कितने स्ट्रांगली वो थॉट में बिलीव करते हो वेदर इट इज फ्री और सेल्फ या uh, किसी और के लिए भी क्यों ना हो बट वो डिटर्मिनेशन कैसे hmm. कि, कै, कितना है आप में द वे दू सेट वन मैन यू मैसेज मी फॉर दिस इंटरव्यू मैंने ना नहीं बोलाएगा hmm. बोला hmm.

Uh, काफ़ी सारे पेड पॉडकास्ट होते हैं ब्रांड्स एंडमेंट्स बहुत कुछ होता है जब ये सेक्टर में भी बट आई लुक एट दिस आर्ज अ वेरी डिफरेंट पर्स्पेक्टिव बिकॉज आई हैव सीन द लाइफ इन अ वेरी डिफरेंट वे राइट नज़रिया होना और उसके पीछे की मेहनत होनी दीज आर टू थिंग्स इफ दे गो हैंड इन हैंड यू कैन अचीव सम ये मुश्किल से लोगों को समझ में आ जाता है मतलब ऐसे ईजिली आप अभी आपको इतना एक्सपीरियंस है पहले से ही बाहर निकल गए राइट ठीक है ना तो ये चीज़ें को आपको देख देख के समझ गए लेकिन जो एक सिटी के अंदर है उसे थोड़ा मुश्किल से समझ में आता है कि डिटर्मिनेशन एक परसेप्शन कैसा होना चाहिए वो एक मेन थिंग है ट्रू राइट सो ये इवेंट इंडस्ट्री का आपका इतना रिच नॉलेज है सबसे पहला जो आपने इवेंट किया था उस पर उस पर आते हम लोग क्या था वो इवेंट लाइफ का पहला इवेंट तो किसी और के लिए गया था बट आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट द फर्स्ट इवेंट दैट वी डिड एज क्रिएटिविटी आठ साल पहले जब कंपनी फॉर्म की थी तब uh, एवरी बडी वु नोन द नेम जोनम शेयर एंड स्टॉक्स ओके उनके ओनर है मिलन अंकल उनके बेटे की शादी थी ओके okay. सो so, उनको मैंने बोला था कि मैंने अपनी कंपनी स्टार्ट की है आपने फ्रेंड्स right, हाँ. थे सही तो ऐसे लोग सबकी ज़िंदगी में होते हैं डेट इज़ वाई एम नेमिंग मिलन अंकल टूडे कि एक बंदा तो ज़रूर होगा आपकी लाइफ में जो आपके ऊपर वो ट्रस्ट और बिलीफ रख सकता है एंड एट दैट टाइम ही सेट के मेरे बेटे की शादी है दो ही फंक्शन है एक में पंद्रह सौ लोग हैं और एक में चार लोग हैं पंद्रह लोग वाला फंक्शन तू करेगा तो अंकल मैं कर पाऊंगा आप तो यहाँ मैंने ये यह पूछा था तो, अंकल मैं कर पाऊंगा अच्छा आपको इतना कॉन्फिडेंस कैसे है कि मैं आप मेरे को दे रो इतना बड़ा छोटा वाला दे दो ना हाँ कि नहीं बड़ा तू करेगा कि तेरे भी जब शायद मेरे दस लोगों की सेना लगेगी ना वो चलेगा पर तू सीख लिया ना तो तेरी जिंदगी बदल जाएगी राइट 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 एंड ट्रस्ट मी दैट फर्स्ट इवेंट जाएगीवेंट दस्ट बिल्डिंग सरसाना ऐसी डोम है जहाँ पर नवरात्रि होती है वो डोम में हमारी पहली इवेंट थी ओके सो जहाँ से जर्नी स्टार्ट की थी तो वहाँ पे स्टिल रिमेंबर एंड आई स्टिल फील कि आ, वो दिन शायद आज वाला नॉलेज होता तो उनकी शादी कुछ अलग होती तब नहीं थी वी डोंट से कि आ, वो इवेंट बहुत प्यारी हुई थी उसमें काफ़ी मिस्टेक्स थी आई नो कहाँ कहाँ गलतियाँ हुई है आज हमको वो एहसास है द होल टीम रिपेंस ऑन दैट कि शायद कुछ बेटर कर सकते थे बट वो अंकल ने उस दिन भी मेरे को हंसते हुए पैसे दिए थे और बोला था कि बेटा तूने कर दिखाया ओके okay. डि नॉट रिग्रेट उन्होंने वो अफसोस जैसा कुछ दिखाया नहीं एंड देट इज वॉट चेंज माई लाइफ कि अगर एक बंदा एक फ्रेशर को इतना भरोसा दे सकता है तो क्या ही क्या क्या ही कुछ नहीं हो सकता वो आपने खुद ही अपने लेवल पे उसको ना मैनिफेस्ट कर लिया उस टाइम पे आज ये वर्ड बहुत फेमस हो रहा है मैनिफेस्टेशन इज़ द द न्यू थिंग इन मार्केट राइट नाउ तो ये देखो ये फर्स्ट इवेंट की बात हो गई है तो बोल रहे कि इतने मतलब पंद्रह सौ लोगों का इवेंट आज अगर दो सौ लोगों का एक बैंकुट हॉल के अंदर भी इवेंट करना होता है ना तो उसके लिए भी बहुत हाइटेक हो जाता है आई वाया दिस इंटरव्यू आई वुड श्योरली वॉन्ट टू पास ऑन दिस वर्ड टू ऑल द पीपल आउट देर हुट टू एंटर इन टू दिस इंडस्ट्री ये इंडस्ट्री जितनी ग्लैमरस है ना उतनी ही पेनफुल है शायद उससे दस गुना पेनफुल है बिकॉज़ वो ग्लैमर एक दिन के दो घंटे का या चार घंटे का है बट उसके पीछे चार महीने की मजदूरी लगेगी आई वुड नॉट इवन से हार्डवर्क मैं बोलूँगा मजदूरी लगेगी वो करने के लिए रेडी होना तो ही इंडस्ट्री में आना वरना मत आना दिस इज अ स्ट्रिक्ट नो नो टू एनी बडी हु वॉन्ट्स टू जॉइन दिस इंडस्ट्री ये सोच के कि यहाँ पे सेलिब्रिटीज़ को मिलना होता है यहाँ पे इतना ग्लैमर होता है यहाँ पे फायर होता है हम एक इवेंट कर देंगे वहाँ पे 500 लोगों के टिकट बेच देंगे और एक इवेंट हो जाएगी इवेंट नहीं होती इट टेक्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क एंड जो कहा जाता है ना कि ब्लड एंड स्वेट मांगता है ये इंडस्ट्री एक्चुअली मांगता है सही है तो देखो आप ये सब ये जो आपने अभी सुना डरना मत डरने वाली कोई चीज़ नहीं बट पहले आप... आगे बोला वैसे कि इफ यू हैव द डिटर्मिनेशन टू अचीव इट तुम उसके पीछे वो देने के लिए रेडी हो वो पेन्स वो फोकस तो यू वुड श्योरली अचीव इट उसमें कोई डाउट नहीं ये 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 पॉइंट याद रखना ठीक है ना क्योंकि गर्ड अगर आपके अंदर है कोई भी चीज के यू कैन कोई भी, कोई भी सेक्टर होनी टू अचीव समथिंग कोई भी इंडस्ट्री इतनी बड़ी भी नहीं है कि आप अचीव ना कर सही है सही है लेकिन आज के सीनारियों में द वाइट फ्ले करके अगर आप सूरत से हो तो द वाइट फ्ले करके जो ब्रांड है वो क्रिएटिविटी के आ, Company, आप क्रिएटिविटी बोल सकते हो राइट नूराइट हाँ तो द वाइट फ्ले करके आज एक परस्पेक्टिव पूरा कमर्शियल इवेंट का पूरा सीनरी चेंज हो गया last, after COVID, right? Right. After COVID, ये, वा, फ्ले वाले इवेंट्स आने लग गई क्या चीज होती है टू थाउजेंड ट्वेंटी हम सोच रहे थे कि हम क्या ही कर लेंगे यू वी फर्स्ट वन टू शट नाउन बिकॉज एंटरटेनमेंट एंड ग्लैमर था नीव दी लास्ट वंस टू ओपन अप इन टर्म्स ऑफ कोविड का फॉल बैक जो भी लगा था लॉकडाउन आया ये वो हुआ तो हम ऑफिस में बैठ के ये सोच रहे थे कि चलो एक टाइम पास कर लेते हैं मीस ब्रांच को इकट्ठी करते हैं एक छोटा सा शो करते हैं वहाँ पर डेकोर अपनी मर्जी से करते हैं आर्टिस्ट अपनी मर्जी का लाते हैं स्टेज नहीं बनाएंगे आर्टिस्ट को बोलेंगे गार्डन में खड़ा रहकर गा दे ओके okay. बट होगा ये कि एटलीस्ट हम वो पाँच सौ हज़ार लोगों से मिलेंगे जो हमको जानते हैं उनको खाली वो रिकॉल वैल्यू आ जाएगी कि क्रिएटिविटी नाम की कोई कंपनी है नील नाम का कोई बंदा है हर्ष है प्रेक्षा है तो ये लोग कुछ इवेंट्स में करते हैं अच्छा तो वो थाट्स से जस्ट टू शोकेस व्हाट वी आर हमने वाइट फ्ली डिज़ाइन की थी ओके okay. और वहाँ पे बीस ब्रांच के साथ में हमने एक छोटा सा फ्ली अरेंज किया और वो सक्सेसफुली इतना प्यारा शो बन गया कि वी डिसाइडेड टू मेक इट लार्ज ओके okay. तो वो बीस ब्रांड से जर्नी स्टार्ट की टू के टू सेवेंटी टु, uh, ब्रांड इन दी सेकेंड एडिशन रजिस्टर्ड एवरी थिंग द नेम ऑफ वाइट फ्ली व्हाइट फ्ली अ सेपरेट एंटिटी बन चुका है आज इट्स व्हाइट फ्ली एल एल पी नाम पहले नहीं था पहले इट वॉज जस्ट द वाइट फ्लिक नॉर्मल सा शो था वो हाँ अब एक अलग एंटिटी बन चुका है एंड देन वी स्टार्ट अपग्रेडिंग इट स्लोली एंड स्टडीली विथ एन आइडियोलॉजी की वाइट फ्ली हैज टू बी वन एक्सपीरियंशियल शो कि जहाँ पे हर एज ग्रुप के बंदे को या बंदी को वेदर वो पेरेंट्स हो या एक यंगस्टर टीन एजर जेंजी क्राउड हो उन सबको कुछ ना कुछ एंटरटेनमेंट मिले एक स्पॉट पे तो वैसे ये व्हाइटफ्ली डिज़ाइन हुआ और वहाँ पे सारे बेंडर्स uh, मेरी टीम सो वाइटफ्ली कैन नॉट बी सेड एज अ शो के जहाँ पे मैं या मेरे दो पार्टनर्स प्रेक्षा और हर्ष हम तीन लोग ये शो को नहीं बनाते इट इज बेसिकली मेरी पूरी टीम के इनपुट्स होते हैं इन टर्म्स ऑफ डेको और ऐसा कह सकते हो कि मेरी सेल्स टीम से भी इनपुट आते हैं इन टर्म्स ऑफ मार्केटिंग में भी उनका इनपुट आता है सो व्हाइटफ्ली इज अ शो जहाँ पे हम सब लोग इकट्ठा होके ये शो को डिजाइन करते हैं इनफैक्ट हमारे वेंडर्स साथ में जुड़ते हैं तो जो भी वेंडर्स होते हैं वो हमारा शो फ्लो खाली फॉलो नहीं करते वो अपने नए इनपुट्स लेके आते हैं कि चलो ये टाइम कुछ नया करता है ओके ओके सो बाद में वो लाइट वेंडर हो साउंड वेंडर हो आर्टिस्ट की कोऑर्डिनेशन हो आपने तो देखा हो तो व्हाइट फ्ली में कभी बड़ा आर्टिस्ट नहीं आता राइट राइट वाइट फ्ली में अच्छे आर्टिस्ट आते है. ये 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 पॉइंट आप नोटिस uh, करना इसमें आप देखो इनके पेज पे जाके द वाइट फ्ले करके भी इन, इन, इनका इंस्टाग्राम पेज है वहाँ पे आपको वीडियोस दिखेंगे ऐसे अंडर आर्टिस्ट को ये बुलाते हैं मतलब काफ़ी बार तो मैं खुद वहाँ जाता हूँ मैं सुनता हूँ बाद में रियलाइज करता हूँ यार क्या सुन रहा हूँ यार ऐसा भी कुछ है यस दैट इज़ वॉट इज द आइडियोलॉजी ऑफ वाइट एज अ बेजिक ए कि हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना चाहते थे कि जहाँ से uh, हमारे वेंडर्स हो आर्टिस्ट हो हम खुद हो सब इकट्ठा हो होकर खाली अपना शोकेस केस करे अब वो एक ब्रांड बन चुकी है तो हम थोड़ा पर्सपेक्टिव अब बदल रहे कि वो ब्रांड को सस्टेन होने के लिए वो स्टेज कौन रिजर्व करता है अब ऐसा ना हो कि कोई ऐसा आर्टिस्ट ऊपर चढ़ जाए जो शायद ये पॉइंट स्टेज नहीं रिजर्व करता माइट बी अपकमिंग आर्टिस्ट अच्छा mm -hmm. होगा बट mm -hmm. अब ऐसा है ना कि ऑडियंस को भी बैलेंस आउट करना पड़ता है इन टर्म्स ऑफ देयर एंटरटेनमेंट क्योंकि स्टेज uh, बहुत बड़ा बन चुका है एज यू सेड कि सूरत में शायद अपनी एज ग्रुप का या यंगस्टर्स के जनरेशन में रेयरली कोई होगा जिसको वाइट फ्ली ना पता हो अब सबको पता है तो उनका एक एक्सपेक्टेशन है जो हमको अचीव करना मुझे लगता है कि नॉट इन सूरत बट इंडिया वाले जितने फ्ले कर रहे हैं ना है, वाइट फ्ले के नाम को जानते हुए आ... मैं 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 फील कर अजे ऑडियंस बोल रहा हूँ अज ऑडियंस मैं देख रहा हूँ मैंने देखा सूरत के सबसे प्रीमियम जितना भी क्रीम क्राउड है वह को देखने को मिलेगा वाइट फ्ले में और कितने फ्ले होते हैं यार मेरे तो ऐसा लगता है मुझे कि साल में कम से कम बीस नई कंपनी जाके काम करती है एग्जैक्टली ट्राइज टू डू यस यस मतलब अपना सब अपना बेस्ट करते हैं अपने, अपने देखो सबको अप्रीशिएट है कि इतना आज एफर्टा तो तो कर तो रहे तो हैं यही है लेकिन एक अगर एक इवेंट मैनेजमेंट कोर्स को सेलेक्ट करता है बंदा उसके माइंड में फर्स्ट डे कुछ भी नहीं होता है मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि वो जो ग्राउंड लेवल पे आपने इवेंट आपके पास कोई क्लाइंट आता है आपको बोलता है कि यार मुझे इस तरीके का इवेंट करना है तो आप उसे कैसे लाइक like, uh, हाँ बो, हाँ तो बोल दिया आपने लेकिन uh, मैं सबको हाँ नहीं बोलता अच्छा <laughs> मैं सबको हाँ नहीं बोलता दैट्स द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग एट क्रिएटिविटी वी हैव अ वेरी क्लियर थॉट प्रोसेस कि अगर कोई हमारे पास आता है और बोलता है कि मुझे ये आर्टिस्ट का एक ऐसा शो करना है अब मानो कह रहे हैं एम सी स्टैंड का एक शो होने वाला हा, था, हा, होने वाला जो पोस्टपोन हुआ एंड शायद अभी होने भी वाला है वो शो की पहली इंक्वायरी मेरे पास ये टेबल पे आई थी ओके वो बंदा ऑफिस में आया था नील भाई ये शो में सपोर्ट करोगे मैंने बोल दिया मैं नहीं करूँगा मेरे लिए हमारा एथिक्स और शो का प्रॉफिटेबल होना या तो ब्रेक इवन होना बहुत ज़रूरी है ओके okay. बिकॉज अगर कोई नया बंदा या बंदी ये इंडस्ट्री में एंटर हो रहा है अपने पहले ही शो में अगर लॉस करेगा ना तो वो दूसरी बार हिम्मत नहीं कर पा आपको कैसे पता चला ये लॉस ही होने वाला है इट्स इट्स कम्स बाय द एक्सपीरियंस एंड परसेप्शन आज स्क्रीन पे आप uh, अरिजीत सिंह को देख रहे हो हाँ अरिजीत सिंह के शो के पासिस बिकते क्यों नहीं है सूरत सूरत में सूरत में तो मैंने देखा है कि ये आ, उतोपिया वाले है? क्यूं क्यूं ये वाले इनको बुलाते हैं हैं क्यों 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 करते करते कभी सोचा किसी ने नहीं? नहीं नहीं अगर बेचने जाओगे तो ये शहर में नहीं देखेंगे ऑडियंस लाइक्स द एंटरटेनमेंट टू बी सर्व टू देम अरिजीत सिंह के शो का शो सूरत में सबसे बड़ा शो होगा सही है बट वहाँ पे टिकट बिकी नहीं जाती वो इन्वाइट्स इन्वाइट पे ही मिलती नहीं मिलती तो हर शो की एक आइडियोलॉजी होती है हर आर्टिस्ट का एक कैपेसिटी uh, होता है वो ऑडियंस लाने का <laughs> एक इवेंट मैनेजर या प्लानर का एक कैपेसिटी होता है ऑडियंस लाने का ये दोनों को मर्ज करने के बाद में जब आप देखते हो ना कि आपकी एक्सेल शीट बैलेंस आउट नहीं हो रही है दैट कम्स बाई एक्सपीरियंस राइट राइट आज तक आई कैन वेरी क्लियरली से कि मैंने आज तक मेरी कंपनी से किसी भी बंदे का मैंने लॉस नहीं करवाया है ऐसा कोई शो नहीं होगा जहां हम घुसे और वहां पर नुकसान हुआ मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपने एम वाला जो इवेंट होने वाला था वो आप कर तो सकते थे लेकिन आपने वो सोच रही है नुकसान क्यों करवा हाँ नुकसान नहीं करवाना है right. राइट वो मोनिटरी सिर्फ नहीं था हाँ उसके और भी दूसरे परसपेक्टिव अगर एक बार किसी को नुकसान हो गया आपके थ्रू तो ब्रांड वैल्यू के ऊपर बहुत इफेक्ट आज एज अगेन ब्रांड नील या तो ब्रांड क्रिएटिविटी की एक वैल्यू है मार्केट में हम अगर मुझसे बोल देना कि मैं ये शो कर रहा हूँ तो वो शो होते होके रहता है होके रहता है राइट आपने माफ किया तो वाइट के आखिरी दिन uh, मैं नेक्स्ट शो की डेट अनाउंस कर देता राइट 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 आखिरी दो एडिशन से ah. कर रहा हूँ अहमदाबाद गया तो अहमदाबाद yeah. भी सेम चीज करके आया आऊ वहां पे शो कैसा गया वो हमारा पर्सपेक्टिव बाद में होता है बट क्या लेवल पे क्या स्टैंड होना चाहिए वो पर्सपेक्टिव हमारा साथ में होता है सो वी लुक एट थिंग्स की जहाँ पे

मैं बोल के भी शो ना करूँ तो भी फ़र्क नहीं पड़ता बट मैं अपने आईने में जाके जब देखूंगा और अपने आप को पूछूंगा ना कि तूने वो बोला था तूने किया तो जवाब हाँ आना चाहिए ना आया दैट मीन्स यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग सही है तो मतलब आपको वही चीज़ को हाँ बोलना है जो आप कर सकते हो एग्जैक्टली exactly. राइट सो मेरे दिमाग में काफ़ी बार जब इवेंट की बात आती है तो एक आता है कि जब हम इवेंट ले लेते तो ग्राउंड पे कमर्शियल इवेंट और मैरिज इवेंट हो गए इतने बड़े बड़े इवेंट आप कर रहे हो तो आपसे एक बेसिक क्वेश्चन रहेगा कि ग्राउंड पे जाके उसको एग्जीक्यूशन कैसे करते हैं डे वन पे uh, पहले तो क्लाइंट से यू टेक द हंड्रेड परसेंट ब्रीफ अबाउट व्हाट ही इज ड्रीमिंग ऑफ तो इस क्लाइंट जब आपके पास आता है तो एक सपना लेके आता है वो इवेंट लेके नहीं आता इवेंट इज ऑलवेज अ ड्रीम प्रैक्टिकली समझ लो uh -huh. तुम शादी बोलोगे तो इवन इफ इट इज योअर सिस्टर्स वेडिंग और योर ओन वेडिंग तो वो वे एक सपना ही है राइट 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 यू हैव नॉट लिव दैट डे वो क्लाइंट या वो बंदा तुम्हारे पास आता है वो थॉट्स है कि मेरा यह सपना ये बंदा पूरा करेगा <laughs> तो वो सपना पहले समझ लो वो सपने को पहले अपना बनाओ सही है खुद वो सपना वापस देखो क्लाइंट के नज़रिए से कि ऐसा उनको चाहिए सो ऑल द डिलीवरेबल्स और ऑल द डिटेलिंग ऑफ दैट इवेंट हैज़ टू बी नोटेड डाउन ऑन ब्लैक एंड वाइट पीस ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कितनी भी आगे बढ़ जाए पेन और पेपर अगर बनाना कंपनी उन्हें बंद नहीं किया ना दैट मीन्स दे आर वेरी इंपॉर्टेंट मटीरियल लोग कहते हैं टेक्नोलॉजी है मेरे पास में दो आई पैड्स है दो आई मैक्स है करीबन छः आठ लैपटॉप्स है वी आर ऑल यूजिंग आई फोन इन दी कंपनी मेरे पास बेस्ट ऑफ टेक्नोलॉजीज है बट आज की डेट में आप अगर, अगर मेरी ऑफिस में भी चारों ओर देखोगे तो कागज़ ही कागज दिखेंगे वेदर इट इज़ अ लेआउट ऑफ द वेन्यू या कुछ और पर वो हाथों से ही लिखी जाती है अकाउंटिंग शीट्स भी डिजिटल भी है मेरे पास बट दैट इज ऑल्सो देयर इन पीस ऑफ पेपर बिकॉज दैट इज़ वेयर इट कैन नॉट बी लॉस्ट राइट यू नीड अ बैकअप ऑलवेज यू से बैकअप कैसे आएगा hmm. हाथ से लिखा है तो डिजिटल बैकअ है डिजिटल है तो हाथ का बैकअप सही है सो इट हैज बी देर सो कमिंग टू देश हाउ डू यू एग्जीक्यूट एन इवेंट डिटेल्स सारी पहले जान लो वो डिटेल्स के बाद में मेक द सेपरेट लिस्टिंग ऑफ प्रोडक्शन इन टर्म्स ऑफ मंडअप का आता है मेक अ सेपरेट लिस्टिंग ऑफ द डेकोर मेक अ सेपरेट लिस्टिंग ऑफ द लाइटिंग एंड दी जेंट सेट्स

उसके बाद में वो गेस्ट का सीटिंग कितना रहना चाहिए फूड एरिया आपने डिफाइन किया था फूड एरिया में सीटिंग कितना चाहिए और तुम्हारे फूड सर्विंग uh, के लिए काउंटर्स कितने लगेंगे उसमें कितनी स्पेस चली जाएगी सो यू नीड टू हैव दैट ऑन ग्राउंड मार्किंग ऑल्सो आप खाली गूगल मैप से पिक्चर उठा के उसमें मेजरमेंट्स करोगे ना तो गलत नहीं नहीं चलेगा आई हैव फेस दैट इन वाइटली ये लास्ट एडिशन में ही हुआ था ओके सो वी हैव मेड वी हैव मेड द लेआउट परफेक्टली फिट एंड फाइन तो हाँ, उट हाँ, तो we तो तो कि मेरे स्टॉल के बाजू में तो गेट होना चाहिए था क्यों नहीं है यहाँ पे गेट सही तो मैंने बोला सर वो वेन्यू थोड़ा बड़ा है वो मेरा प्रॉब्लम थोड़ी ना है सही है उसने तो स्टॉल इसलिए पिक किया था क्योंकि उसका स्टॉल वहां पे वो गेट के पास ना एक 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 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है उस ये पर्सपेक्टिव हमने नहीं सोचा था हाँ तो इट वाज जस्ट अ डिफरेंस ऑफ उसके बाजू में जो होना चाहिए था वही था बट वो फिजिकल वेन्यू पे वो गेट नहीं था बस वो गेट से एंट्री एग्जिट भी अलाउड नहीं थी बट उसने वो पकड़ लिया था सो यू नीड टू हैव योर फैक्ट्स एंड फिगर्स वेरी मच राइट ऑन ग्राउंड एज वेल एज ऑन डिजिटल शीट्स की प्रॉपर लेआउटिंग किया तुमने डिजिटल कॉपीज बनाई ऑटो कैट फाइल्स बनाई एवरीबडी बडी डज ऑल ऑफ दैट थ्री डी लेआउटिंग करवाया सब कुछ करवाया बट फिर भी यू नीड टू हैव दैट एग्जैक्ट मार्किंग ऑन ग्राउंड कि यहाँ पे इतना डिफरेंस आ रहा है इतनी स्पेस बच रही है शायद नहीं बचेगी सो डू दैट लाइन ड्रॉइंग एंड देन यू गिव द लाइन ऑफ एक्शन की आ, एक साथ में चार या पांच टीम्स तो घुसेगी ही वेन्यू में मंडप घुसती है लाइट वाला आता है साउंड वेंडर आता है बट नॉट दे प्रॉब्लम इज दैट बिकॉज एक बोलेगा मैं आया तो मुझे इतनी चीजें रेडी चाहिए दूसरा बोलेगा ये रेडी नहीं होगा तो मैं ये नहीं करूँ पीपल लाइक मी इवेंट मैनेजर्स आई वुड से इन जनरल आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्री प्लेयर हुए एक्शन ये टीम इतने बजे काम स्टार्ट करेगी यहां से स्टार्ट करेगी ताकि मेरी दूसरी टीम जब आती है ना तो यहाँ से काम स्टार्ट कर पाए क्योंकि ये टीम वहां से निकल जाती है येस वो आपको पता होना चाहिए राइट सो यू नीड टू हैव दैट बेसिक डायरेक्शनल डायरेक्शन ऑफ प्लान ऑफ एक्शन कि जहाँ पे आपको एक्जैक्टली exactly मालूम है कि कहाँ पे हिंडरेंसेज नहीं आएंगे कोई दो टीम्स के बीच में एंड देन ऑन ग्राउंड इफ़ द टेम्परेचर इज नॉट राइट लोगों का दिमाग बहुत खराब होगा जैसे अभी आई वाई वी आर शूटिंग

दो दिन पहले ग्राउंड पे बारिश थी बारिश थी आप लोग सब पूरी टीम आप एज ए इवेंट ऑर्गेनाइजर आपका टीम बहुत बड़ी आज ठीक है फिर भी आपको प्रेक्षक निधि सब को सबको देख रहा हूँ मैं वहाँ पे ग्राउंड पे सब लोग उसको पानी को निकालने की कोशिश कर रहे हो क्या था वो ही? मतलब ऐसा आ... अगर आ जाता ऑब्स्टेकल दैट इज वाई सेड यू शुड नॉट हैव जस्ट प्लान ए एंड प्लान बी यू शुड हैव योर प्लान सी आल्सो रेडी बिकॉज आपका प्लान कितना भी फुल प्रूफ क्यों ना हो देर माइट बी फ्यू थिंग्स दैट कैन चेंज योर होल नो Uh, जैसे अप्रैल एडिशन वाइट फ्ल में हुआ था कि शो वो स्टार्टिंग ऑन फ्राइडे वी द वेन्यू ऑन एंटरडे वेडनजडे को बारिश हुई ट्यूजडे हाँ. को भी दोपहर को बारिश हुई और बारिश सिर्फ आधे आधे घंटे की बट बाई वेडनसडे आफ्टरनून ग्राउंड में इतना पानी था पूरे ग्राउंड में और वैसे आठ दस जगहों पर था तो वी श्योर sure कि पानी निकले तब जाके बाकी की टीम्स काम कर पाए हुँ.

जो अपने टाइल्स और ये सब मॉप करने का और उसके आते वाइपर्स आते आते लेके गए होंगे आप पूरा तो वो वहां पे ऑन ग्राउंड मंगवाया चालीस लोगों के से पंद्रह लोगों के हाथ में वाइपर था जो अपने मार्बल वाइप करते या बाथरूम वाइप हाँ। करते वो वाला वाइपर मौ... आता है मॉप नहीं वाइपर वाइपर अच्छा वो जो वाइपर, जो वाइपर अपने ड्राई करने के लिए वो राइट हमने मिट्टी और घास में वो मॉप वाइपर चलाया है कारीगरों ने चलाया दूसरी साइड पे एक टीम है जो बाल्टी से पानी भर रही है और तीसरी टीम है जो पानी बार फेंक रही है बिकॉज आउटलेट जैम हो चुके हैं इट वॉज नॉट प्लैंड वी मेड श्योर दैट द वॉटर वेंट ऑफ एग्जीबिटर्स वॉकट इन द प्रीवियस नाइट देखा कीचड़ है वेन्यू में बट दे व रेडी टू बिलीव एंड ट्रस्ट अस बिकॉज उन्होंने देखा कि हमने क्या ट्रांजेक्शन किया है एंड वी we तो वर कॉन्स्टेंटली इन कनेक्ट विद आप ही वर्क कर रहे हो ग्राउंड पर तो उन लोगों का भी हिम्मत तो बढ़ी जाए एग्जैक्टली तो वो जब वहाँ पर है उन्होंने खाली एक ही सवाल पूछा था कि नील कल तक ये वेन्यू रेडी हो जाएगा तो माई टीम हैच साइड के अगर नहीं भी हुआ ना तो हम उसके रास्ते निकालेंगे सही है और जब हमने ये स्टेटमेंट दिया था ना तो हर ब्रांड ने हमको यही बोला था कि आप कर लोगे नहीं होगा ना तो हम साथ में कुछ जुगाड़ कर लेंगे इन फैक्ट वेन वी ओपन द गेट्स एट फोर ओ क्लॉक आई स्टिल रिमेंबर कि वेन्यू नहीं सूखा था हमने करीबन एक पच्चीस कारपेट्स मंगवाई थी और वो बिछाने के लिए मैं अपनी टीम के साथ में खुद गया था <laughs> जब मैं वो बिछा रहा था ना तो क्लाइंट्स एंड एग्जिबिटर्स वर वेरी हैप्पी सीइंग कि तुम मेहनत तो कर रहे हो बिकॉज वो चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं थी हाँ <laughs> हाँ तो जैसे ऐसे कुछ भी होता ना तो इन एन इवेंट यू शुड ऑलवेज़ हैव योर प्लान बी एन सी मुझे याद है डिसम्बर में क्लाइंट की शादी में उसके फेरे चालू हो रहे थे और बारिश हुई थी लास्ट ईयर लास्ट टू लास्ट ईयर बारिश हुई थी डिसम्बर में तो उसके फेरे नहीं रोके नहीं थे फेरा मंडप में हम लोग छह लोग मेरी टीम से थे और हम लोग ताड़ ताड़पतरी पकड़े प्लास्टिक पकड़ के खड़े थे और अंदर फेरे चल रहे थे ये काम होता है इवेंट मैनेजमेंट कंपनी का हाँ इवेंट ऑर्गेनाइजर का काम हर चीज हो सकता है सोचोगे कि वो बस लेके ग्राउंड पे घूम रहे नहीं ये सारे काम करने पड़ते हैं वहाँ पे खड़ा नहीं हो आपको वहाँ पे खड़ा रहना पड़ेगा पहले ये मेरे पास में वो फोटोज है मैं आपके साथ में वो शेयर करूंगा फोटोज शायद वीडियो भी निकलेगा की जहाँ पे हम प्लास्टिक पकड़ के खड़े फैमिली के कुछ मेंबर्स आते हैं ग्रूम uh, के चाचा और ये लोग आते हैं ब्राइड के चाचा और ये सब आते हैं और वो हमारे साथ में प्लास्टिक पकड़ के खड़े हैं कि तुम अकेले क्यों पकड़ोगे ये शादी तो हमारी है ना सही है सो देन इट बिकेम लाइक अ फैमिली की वो ओन हो चुका था कि ये इवेंट हमारे लिए कितनी गिनती है क्योंकि जब हमने प्लास्टिक पकड़ लिया तो उसकी फैमिली समझ गई थी ब्राइड और ग्रूम की कि

ये आपने बताया कि पूरा मतलब के आ, ग्राउंड पे जाके रैगी करनी पड़ती है सब कुछ एक आ, सारी टीम को बुलाना पड़ता है और उसके बाद में आप एक मीटिंग्स करते होंगे यहाँ पे और उसके बाद में आप जाके अपने क्लाइंट को सब कुछ कोटेशन देते होंगे राइट मैं अब इस कोटेशन की बात करता हूँ डिटरमाइन कैसे करते हो लाइक कोटेशन क्या लेना है क्योंकि इसके अंदर एक पॉइंट ऐड करूँगा हाँ जैसे आपने बोला कि कोई कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है इवेंट के अंदर ठीक है तो ऑब्वियसली बात है कि अगर आपने उसको अपने कोटेशन के अंदर पॉइंट आउट नहीं किया है या फिर आपने उस चीज़ को नहीं लिखा है तो वो आपके ऊपर आएगा राइट तो, तो, उन्हें उन्हें तो से से इवेंट या कोई बड़ा भी इवेंट हो मैं रिवर्स क्वेश्चन करता हूँ हा, हाँ हाँ आपके घर पे अभी डिनर है रात को सपोजिंगली मम्मी सब्जी बना रही है पनीर बटर मसाला बन रहा है जल गया क्या करोगे आप क्या करेंगे मतलब कि अब सोचना पड़ेगा कि इस अब देखो मेहमान तो आ चुके हैं ठीक क्या करोगे एक्जेक्टली दैट इज लाना पड़ेगा और क्या करेंगे एक्जेक्टली माय पॉइंट सो व्हेन इट कम्स टू एन इमोशन ऑफ अ क्लाइंट्स इवेंट पहले उसे डिलीवर करो अगर तुम कर देते हो ना तो वो कितना खर्चा हो चुका है ना वो क्लाइंट नहीं पूछेगा बिकॉज़ ही सेटिस्फाइड कि दिस टीम वाज देयर टू सपोर्ट मी व्हेन आई हैड नो वे आउट देयर उनके पास रास्ता नहीं था दैट मींस हमारे पास भी रास्ता नहीं था पहले ही अज्यूम कर लेते हैं बट yeah. जब आप ये आइडियोलॉजी ब्रेक करते हो कि आई एम गोइंग वन स्टेप अहेड आप चू दो आपका टेंशन नहीं है ये मेरा प्रेशर है मेरा काम है मैं देख लूंगा आप शादी मनाओ बस सर आप ये इवेंट करो सो बेसिकली इन टर्म्स ऑफ बिलिंग वी आर वेरी हैप्पी एज क्रिएटिविटी बिकॉज वी आर वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड मोस्ट ट्रांसपेरेंट इन टर्म्स ऑफ बिलिंग कंपनी बिकॉज आई चार्ज ओनली टेन परसेंट ऑफ वॉट एवर द सर्विस इज द टेक्स Okay. बाकी पैसा डायरेक्टली दे दो मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता सही है तो मेरे लिए इट इज़ वेरी इजी फॉर द बिलिंग कि क्लाइंट ने बोला मेरे को मंडप चाहिए लाइट चाहिए डेकोरेशन चाहिए साउंड चाहिए आर्टिस्ट चाहिए ये सब चीज़ों का टोटल फिगर जो कोई भी वेंडर्स का होता है उसका टेन परसेंट इज माई फीस ओके तो ये। मेरे लिए बहुत आसान हाँ अगर एक बार ये चीज़ शॉर्ट हो जाती देन आपको बस आपका बेस्ट है देना एग्जैक्टली exactly. मुझे पता होता है कि क्लाइंट जितना खर्चा हुआ है वो तो वो दे देगा right. मेरी फीस है वो टेन परसेंट है वो क्लाइंट बाद में दे देगा बिकॉज ही एक्चुअली आई मेक देम अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन अ वेंडर एंड अ प्लानर ये बहुत बड़ा ब्रेन ब्लॉक है माइंड ब्लॉक है हम सब अंदर कि इवेंट मैनेजर इज इक्वेलेंट टू एनी वेंडर मंडप वाला भी इवेंट कर लेता है कोई कोरियोग्राफर भी इवेंट कर लेता है ये वर्ड ऑल आउट ऑफ प्लेस अब तो ये बहुत बड़ा ट्रेडिशन हो चुका है कि साउंड वाला भी इवेंट कर रहा है कर रहे सारे वेंडर्स सब काम कर रहे हैं तो जब मैं क्लाइंट के पास जाता हूँ तो मैं एक लाइन में उनको समझा देता हूँ मैं प्लानर हूँ मैं एक वेंडर नहीं हूँ मेरा काम वो है आप जो बैठ के कर रहे हो यहाँ पे आप अपनी बेटी की शादी या बेटे की शादी प्लान कर रहे हो ना मैं आपके साथ में बैठ के ये प्लान करूंगा और मैं इसको एग्जीक्यूट करवाने के वेंडर्स इकट्ठे करूँगा ये टर्म क्लियर हो रहा है ना आपको सो देर इज अ वेरी क्लियर डिफरेंस बिटवीन अ वेंडर एंड अ प्लानर आई एम एन इवेंट प्लानर आई एम नॉट एन इवेंट मैनेजर मैं प्लान करता हूँ फिर उसे एग्जीक्यूट करता हूँ तो जब मैं ऑन ग्राउंड होता हूँ ना तब मैं इवेंट मैनेजर हूँ बट जब मैं ये ऑफिस में बैठा हूँ या जब मैं क्लाइंट के साथ बैठा हूँ आई एम एन इवेंट प्लानर तो ये डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है बिकॉज uh, आज ऐसा ओपन मार्केट हो चुका है गूगल पर जाकर लिखो ना कि मुझे uh, एक साउंड वेंडर चाहिए या साउंड रिक्वायरमेंट आगे से आपने सर्च कर ना, आपका ही आने जाएंगे सो ओपन एंड ट्रांसपेरेंट दैट टू है इट इज मी एंड माय टीम हु मेक श्योर की आपका इवेंट फ्लुएंट रहे तो उसके लिए मुझे 10% परसेंट फीस चाहिए आप थिएटर में जाते हो तो मूवी का जो पैसा देते हो दैट इज बेसिकली पेइंग फॉर द सर्विस ऑफ एंटरटेनमेंट दैट यू रिसीव्ड आप होटल uh, में जाते हो तब खाने का एक डिश का शायद तीन सौ रुपये पे करते हो या एक पिज्ज़ा बाहर जाके डोमिनोज से जाके खाते हो तो भी डेढ़ सौ दो सौ रुपये का एक पिज्ज़ा हो जाता तब दो सौ रुपये का पिज्जा तो पड़ता ही नहीं हो पिज्ज़ा पचास रुपये का है यू आर पेइंग दैट वन फिफ्टी रुपीज़ एक्स्ट्रा फॉर द सर्विस दैट दे आर प्रोवाइडिंग टू यू वो रेस्टोरेंट में जाके जो माहौल उसने आपको दिया द म्यूज़िक सिस्टम दैट ही गेव यू

एक मतलब एक ऐसा होता है कि हाँ, अगर एक इवेंट किया राइट right? तो इवेंट सक्सेसफुल हुआ या नहीं हुआ, हमें है, right? हाँ, right. हमें बस वो पहला दिन आपका रहेगा कि हाँ यार क्यों किया है लेकिन एक बार एग्जीक्यूशन होना स्टार्ट हो गया ऑन द ग्राउंड देन आपको भी अच्छा लगना लगता है एग्जैक्टली अगेन दिस इज वन मेजर इन वन लाइनर दैट आई वु गिवुट टू पीपल टू एंटर ये इंडस्ट्री में अगर ये काम करके आपको आखिरी में किसी की स्माइल से सुकून नहीं मिल रहा है ना और आपको ये लग रहा है कि पैसे कम कमाए हैं तो मत आना काफी बार ऐसा होगा कि शायद यू वुड नॉट अर्न जितना आप सोचते हो कि आपको पहले से बट अगर किसी की खुशी पे आपको खुशी मिल रही हो ना तो बहुत मजा आता है जैसे आई वुड शेयर की क्लाइंट मेरा बहुत बड़ा क्लाइंट नहीं था उसका टोटल बिलिंग वॉज ऑल्सो नॉट दैट ह्यूज दो दिन की शादी थी आ, संगीत हल्दी मेहंदी ग्रह शांति एंड वेडिंग ओनली फोर फंक्शन वेडिंग था द टोटल गेस्ट लिस्ट वॉज ओनली टू फिफ्टी पीपलर वॉन्टेड द ब्राइड अ वेरी इंटीमेट वेडिंग मेरे फर्स्ट फैमिली के अलावा फ्रेंड्स के अलावा कोई चाहिए ही नहीं चाहिए ही नहीं।, नहीं वो शादी करवाई तो मुझे खुशी उस दिन हुई जब मैं ऑफिस पे भी नहीं था शादी खत्म की इसके तीसरे दिन लड़की के पापा ने फोन किया कि मैं तेरी ऑफिस में बैठा हूँ मैंने पूरा बिल क्लियर कर दिया तेरा बिल तेरी ऑफिस से मैंने उठा लिया मुझे पता नहीं था आई डिड नॉट अर्न वे टू मच इन दैट वेडिंग बट दैट क्लाइंट इज़ अ लाइफ टाइम मेमोरेबल क्लाइंट फॉर मी बिकॉज जब सामने वाला ये बोल दे कि तेरा पेमेंट मैं तेरी ऑफिस आके दे रहा हूँ मैं बहुत खुश हूँ तेरे काम से आई वॉज सो हैप्पी कि चलो यार पैसा इज नॉट एवरीथिंग ही वॉज़ वेरी हैप्पी कि उसकी बेटी की शादी जैसी उसने सोची थी वैसी हुई

सो वेन इट कम्स टू एन एक्सपीरियंस वी गो टू अ वेरी डिफरेंट लेवल कि हम खाली uh, ये नहीं करते कि आर्टिस्ट को खाली फाइव स्टार ट्रीटमेंट देते हैं जो बाकी के सारे इवेंट वाले देते हैं राइट वी मेक श्योर वी गिव दम पर्सनलाइड एक्सपीरियंस फॉर एग्जाम्पल अभी अपनी वाइट फ्ली लास्ट हुई तब तो रमजान चल रहा था रमजान चल रहा था राइट right. तो जितना आर्टिस्ट मुस्लिम है या उनका नॉनवेज खाना उनको पसंद है तो हमारी साइट पर स्टेज के पीछे एक प्रेयर रूम बनता है उनको होटल तक जाने की ज़रूरत नहीं है उनका इफ्तार के टाइम पे मेरा स्टाफ में जितने भी लोग होते हैं लाइक वेंडर्स की टीम में कोई मुस्लिम होते हैं कोई सिक्योरिटी की टीम में होते कुछ मेरी टीम में होते तो उनका इफ्तार का खाना मैं लाता हूँ और ये सारे आर्टिस्ट का खाना हम उनको फाइव स्टार में नहीं खिलाते उनको मैं लारी पे ले जाता हूँ हाँ ये एक्सपीरियंस करवाओ जरूर के लिए फाइव स्टार का खाना बहुत कॉमन है हाँ हर सिटी में उनको वो मिलता है पर

रित्व का शो मैंने सूरत किया था और हम ऐसे ही अंडे खाने गए थे बाहर निकले उन उसने एक वीक पहले उसकी खुद की मर्सिडीज इज हेट जस्ट बॉट इट तो मेरी गाड़ी उसको होंडा सिटी पसंद आई तो ही सेट कि मैं चलाऊँ दुबई लाइसेंस लाया है कि हाँ लाइसेंस है तो ले चा भी सही है तो उसका मैनेजर ने मेरे को पकड़ लिया था कि भाई अपने दूसरी गाड़ी में जाएंगे अपनी गाड़ी में नहीं जाएंगे रित्विस ड्रोव माई कार इन दिस सिटी एंड वी मूवड अराउंड फॉर एन आर ओके तो हम ये शहर में रितविज मेरी गाड़ी चलाए और वो मेरे को मेरे शहर में घुमा रहा था तो दैट इज़ वॉट इज एन एक्सपीरियंस दैट यू शुड लुक एट इट इज़ नॉट ऑलवेज दी मनी ये रिलेशन ऐसे बिल्डअप होते हैं और ऐसा आप हर चीज़ पैसों के पर्सपेक्टिव से तो नहीं लेते एग्जैक्टली ठीक है ना एक एक ऐसा माइंड में आता है क्वेश्चन जैसे बहुत सारे वेरियस स्टेक होल्डर्स आपके हैं लाइक जैसे आप किसी को इनवाइट भी करते हो आपके इवेंट में एज यू नो गेस्ट एंड बहुत सारे स्टॉल्स बुक्स होते हैं तो ये लोगों के साथ में सबके साथ में एक रिलेशन आपको बिल्डअप करना होता है मैंने देखा था द वाइट फ्लेम में जब मैं आया था और मैं देख रहा हूँ आप स्टेज पे भी हो तो आप ग्राउंड पे भी हो और आप स्टॉल के पास में भी हो आप गेट पे भी हो आप सब जगह पे हो ठीक है और आपने बिल्कुल स्टेच नहीं आप कभी फूड स्टॉल पर जाके कुछ ट्राई कर रहे हो यूनिक एंड मैं सब कुछ देख रहा हूँ आपको नोटिस मैंने देखा था वहाँ पे बहुत सारे दूसरे इवेंट कंपनी के लोग भी आते हैं देख लो कि कैसा ये हो रहा है राइट उन्हें भी देख के बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है पॉडकास्ट देख के उन्हें ये वो भी देख रहे होंगे ठीक है ना आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा लिटरली और ये ये चीज़ मतलब के एक्सपीरियंस तभी होता है जब आप बोलते हो लाइक आप लोगों के सामने शेयर करो ये चीज़ थ्रू नॉलेज हैज़ टू बी शेयर्ड मैं ये अपनी जिंदगी की कहानी ना बताऊं और इतनी चीज़ें मेरा एक्सपीरियंस शेयर ना करूं तो मेरा तो कोई फायदा नहीं है यस बट आई लव टू डू दैट मुझे बहुत मजा आता है मेरी टीम में शायद मैं अपने ने जितनी बातें पॉडकास्ट में की है मेरी पूरी टीम को मेरी पूरी लाइफ की कहानी मालूम बिकॉज वो लोग मेरे को बिठाते हैं वि सिट वि टॉक मेरी टीम के साथ में मेरा बॉन्ड बहुत अलग है कि इट इज़ नॉट अ बॉस एंड अ एम्प्लॉय वाला रिलेशनशिप ऐसा रिलेशनशिप है कि आज काम करने का मूड नहीं है मैं नहीं करूँगा चलो मूवी देखने जाते एंड एट दैट टाइम इवन आई सी आई एस कि हाँ चलना आज हाँ। बॉलिंग खेलने जाना है तो चलो निकल चलो, लो, लो काम बंद कर दो सही है सो दट देयर एंड देट कम्स बाई नॉट बाई एक्सपीरियंस बट बाई शेयरिंग एक्सपीरियंसिस विथ पीपल इट इट इज़ नॉट समथिंग कि सालों में सीखे बट कुछ छोटे मोटे किस्से लाइफ में ऐसे हो जाते हैं कि जहाँ पे किसी ने ये दिखा दिया और एहसास करवा दिया कि एक्सपीरियंस ये वाला भी इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये नहीं किया होता ना तो शायद ये मेरे को कभी पता ही नहीं चलता और मेरे को ये पर्सपेक्टिव ही नहीं मिलता राइट 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 आपको मैंने आपका इंस्टाग्राम प्रोफाइल में देखा आपको रावण बोलते हैं राइट रावण क्या है ये मतलब डोंट गो बिहाइंड द स्माइलिंग फेस मैं जब काम कर रहा होता हूँ ना तो मेरा टेम्परामेंट और मेरा वर्किंग पैटर्न बहुत अलग है ऐसा हो सकता है कि मैं यहाँ पे किसी को गाली दे रहा हूँ और खाली मुंडी घुमा के किसी का साथ मैं हंस के मैं बात कर रहा हूँ सो so, मेरे मूड स्विंग्स और मेरा मूड कंट्रोल इज एक्सट्रीम राइट नाउ काफ़ी सुधरा हूँ बाई टाइम बट रावण इज नोन फॉर हिज ईगो एरेगेंस एंड अ ऑफ एंगर आई एम अ लॉर्ड ऑफ अबाउट ईगो एरोगेंस ऑल्सो बट थोड़ा पर्स्पेक्टिव अलग है मेरा वो ईगो नहीं दिखेगा कि आई एम समथिंग मेरा वो ईगो दिखेगा कि माई शो इज समथिंग और माई वर्क इज समथिंग मेरा एरोगेंस वैसा है कि माई टीम हैज़ अचीव दिस आई थैंक पीपल हु आर अलॉन्ग विथ मी सो आई एम एरोगेंट अबाउट एवरीथिंग दैट आई हैव इन माई लाइफ वाइट फ्ली के वेन्यू पर आपने देखा होगा कि एक लाउंज होता है स्टेज के नजदीक में हुँ. जिसके ऊपर लाइट्स लगी होती है और वहां पे ही व्हाइट फ्ल लिखा होता है और वहां पे शायद क्रिएटिविटी का ब्रांडिंग होता आ, है।, है कभी सोचा कि वो लाउंज किसका है नहीं नो आइडिया दैट लाउंज इज फॉर माई फादर दैट्स माई एरोगेंस मेरे फादर शायद नहीं घूम सकते पूरे वेन्यू में चार बार बाई इज एज बाईज हेल्थ तो हमने ये सोचा था कि एक लाउंज बनाते हैं जिसको वी विल कॉल आर फैमिली लाउंज जो हमने अचीव किया एज अ टीम वो लाउंज में सिर्फ हमारी फैमिली जाती है स्पॉन्सर्स नहीं जाते हर माँ बाप को ये होता है कि ये देखे कि मेरे बेटे ने अचीव किया है कोई आके उनको बोले कि आपके बेटे ने कर दिखाया है तो उनको बहुत मजा आता है मेरे माँ बाप नहीं सबके तो वो लाउंज मैं इसीलिए बनाता हूँ कि जहाँ पे हमारे पेरेंट्स मेरी पूरी टीम के पेरेंट्स स्पॉन्सर्स नहीं आई लगेन मैंशन खाली पेरेंट्स वहाँ पे होते हैं और फैमिली होता है और वो वहाँ पे खड़े रह के देखते हैं वो हमारे से ऊपर एक लेवल पे खड़े रहते हैं कि मैं स्टेज में होते हैं इधर होते हैं राइट मैं स्टेज पे होता हूँ तो भी वो ऊपर होते हैं तो फ्राम दैट बोस्ट अबाउट इट टू दियर फ्रेंड्स एंड फैमिली कि मेरे पापा मेरे चाचा को बोल रहे हैं कि ये शो है ना नील ने नया है वो स्टेटमेंट में जो फीलिंग उनको मिलती है ना वो मेरा गुरू है मैं उसको नहीं गवा सकता पैसा तो मैं छाप लूँगा पैसा मैंने बहुत डुबाया भी है ये इंडस्ट्री में आई हैव मेड लॉसेज मैंने सक्सेस सिर्फ नहीं देखी है वाइटली जितना सक्सेसफुल हुआ और जितना पैसा शायद आप लोग ने अज्यूम कर लिया होगा कि 25,000 लोग आ गए 30,000 लोग आ गए इतना पैसा बना लिया है मैंने शायद उतना ही पैसा मेरी पास्ट लाइफ में इन टर्म्स ऑफ माई जर्नी में ऑलरेडी डाल चुका हूँ यह इंडस्ट्री में तो जब वो डाला था ना तब भी पेरेंट्स खड़े थे कि बेटा टेंशन ना ले मैं हूँ तो आज जब मैं वो अचीव करता हूँ ना तो वो एरोगेंस मुझे दिखाना है है एटीट्यूड मुझ में आई लव द कैरेक्टर रावण मुझे, मुझे पर्सनली वो बंदा बहुत पसंद है उसकी कुछ गलतियाँ थी किसी और की बीवी को देख लिया ये कर लिया वो कर लिया ही हैड अ कपल ऑफ नेगेटिव इन इज लाइफ बट ही वॉज अ मैन फॉर हिज ओन पीपल ही स्टूड फॉर द डेविल्स एंड द एज यस उसने ये बोला मैं तुमको स्टैंड दिलाऊंगा वैसे ही आई हैव अ वेरी स्ट्रांग बिलीफ कि आई कॉल माई सेल्फ अ वुल्फ टू आई एम अ पर्सन वुड स्टैंड बैक फॉर पीपल आई वुड पर्सन वुड फाइट फॉर माई ओन पीपल एंड आई वुड से कि बस ये मेरी टीम है ये मेरा है और इसी की वजह से मेरे लोग मुझे खुशी खुशी रावण बुलाते हैं ऐसा नहीं है कि डर के रावण बुलाते हैं वो बोलते हैं कि इससे दूर रहना चाहिए क्योंकि इससे अगर बिड़ गए तो यार तकलीफ़ हो सकती है क्योंकि ये अपनों के लिए तो कोई भी हद तक जाएगा सो so, मैंने वाइट फ्ले के अंदर एक एक इंसिडेंट होते देखा था आप स्टेज पे थे एंड कोई आर्टिस्ट स्टेज पे था परफॉर्म करा था बीच में आपने माइक लिया और बोला कि किसी को कुछ बोला था आपने ठीक है मैं अब एक स्टॉल के पास खड़ा था और सबको सोना दिया था आप क्या आवाज़ तो जानते ही हूँ मैं बोला यार क्या, क्या हुआ क्या था हुआ एग्जैक्टली आई एम वेरी एड एमेंट अबाउट वेमेन सिक्योरिटी एंड वेमेन रिस्पेक्ट तो मेरी टीम में काफ़ी लड़कियाँ और मेरा नेचर ऐसा है कि आई नॉट डिस इन टर्म्स ऑफ डिसरिस्पेक्टेड एनी वुमेन या मेरी इवेंट पर मेक श्योर कि ऐसा कुछ ना हो और वहाँ पे एक आर्टिस्ट स्टेज पे थी एंड समबडी फ्रॉम द ऑडियंस कमेंटेड समथिंग ऑन हर ऑन हर अपियरेंस ऑन हर बॉडी एंड सेड समथिंग वेरी रबिश तो जैसे रावण बुलाते हैं ना तो रावण को जगा दिया लोगों ने एंड बींग माई ओन शो आई मेक श्योर कि ऐसी कोई बदतमीजी करे तो मैं उसे ऐसे ही जाने ना दूँ तो मैंने रोक के बोल दिया था मुझे मतलब ऐसी बदतमीजी करेगा तो मारते हो यहाँ से बाहर ले जाऊँगा और वो मैं माइक पे बोला था फॉर मी ऐसा कुछ होना जहाँ पे कोई ऑडियंस में से किसी लड़की को छेड़ ले या कुछ कमेंट कर ले वर्बली या फिजिकली बाद में वो आर्टिस्ट हो या ऑडियंस हो मैं वो टॉलरेट नहीं करता और फिर मैं वो अपनी सारी बाउंड्रीज़ भूल जाता हूँ कि मेरे आसपास मेरे माँ बाप बैठे हैं कोई और है अगर किसी ने डिसरिस्पेक्ट की है तो उसको उसकी सज़ा मैं उधर का उधर ही दूंगा आपने माइक पे सुना वो खाली एक जोन था उसके बाद में जो उसके साथ हुआ वो किसी ने देखा ही नहीं राइट राइट सो वी मेक श्योर एट ऑल आर शोज एट वाइट फिल्म आप काफी बार आए हो तो आपने देखा होगा कि कहीं पे कोई हल्ला नहीं हो रहा है हाँ oh. वो झगड़े होते हैं तो वो ऐसे खत्म हो जाते हैं huh. तो वी हैव ओन टू टैकल विद देम एंड हम अपने पहले रोल प्लान रेडी कर लेते कि जैसे प्लान ए बी एंड सी तो हमको पता है कि प्लान ए में अगर वो शांति से समझ गया तो हमें क्या करना है प्लान बी में नहीं समझा तो क्या करना है प्लान सी में क्या करना है एंड वी मेक श्योर दैट वी फॉलो ऑल ऑफ दैट तो वो जो एक झलक आपने शायद एक्सपीरियंस किया एक मोमेंट एक्सपीरियंस किया तो वो सिर्फ उसका एक पार्ट था जो आपने एक्सपीरियंस किया बिकॉज अगर कोई लड़का ऐसी हिम्मत कर सकता है कि एक लड़की के बारे में कुछ उल्टा बोल दे उसके मुंह पे तो उसकी भी इज्जत उतारनी ये मेरी जवाबदारी बन जाती है भाई मैं टॉलरेट नहीं करूँगा तो अगर किसी लड़की को या आप किसी लड़की को गाली दे सकते हो तो मैं किसी लड़की के सामने आपको गाली खुले दे सकता हूँ और इतना गट उसके अंदर है कि वो बोल दे उसको पता है जबकि इतनी सिक्योरिटी है इतने लोग है इतनी लड़कियां उसके आस पास है तो अगर वो एक आर्टिस्ट के लिए बोल रहे तो मुझे इतना तो श्योरली पता है कि वो नीचे तो सीधा रहेगा ही नहीं रहेगा तो नीचे सीधा नहीं रहेगा तो भाई मैं हूँ फिर सही है और ऐसे ही बहुत सारे इंसिडेंट आपके पहले भी हुए होंगे काफ़ी बार इवेंट्स में बहुत झगड़े हो जाते हैं कमर्शियल इवेंट्स में देखते हैं हम लोग इट हैपेंस पंद्रह साल हो गई है मैंने बहुत लोगों को शायद मारा भी होगा एट इवेंट्स किसी को शो से निकाल दिया होगा किसी के बैंड्स मैंने काट लिए होंगे किसी को पुलिस स्टेशन दे दिया होगा किसी को बाउंसर्स के हाथ में दे दिया होगा बहुत सारे किस्से मेरी लाइफ में हुए हैं बट जितने भी हुए हैं वहां पे आई हैव नेवर रिपेंटेड एनी एक्शन दैट आई हैव टेकन टिल टुडे रीज़न बीइंग हम हमारे एथिक्स से बहुत क्लियर है कि हम चाहते हैं कि हमारा शो स्मूथ रहे तो वो स्मूथ रहना चाहिए अंदर आके आप दारू पियोगे कुछ और उल्टा सीधा करोगे इनन एल्कोहलिक से टीक कर रहे हो तो मुझे समझ आता है कि आप पिए हुए हो शायद किसी लड़की को धक्का लग गया पर अब जानबूझ के ऐसे ड्राई स्टेट में कर रहे हो जहां पे पीना भी इलीगल है घर पे बैठ के पीना भाई कोई नहीं रोक रहा तेरे को mm -hmm. सिंपल सा लॉजिक है मेरा आधा शहर पीता होगा आधा क्या पूरा शहर पीता होगा मैं ये क्लेम कर सकता हूँ एटी परसेंट ऑफ द सिटी माइंड बी ड्रिंकिंग पी रहे ना पर लोग घर में पी रहे ना वो अपने घर में बदतमीजी कर रहे हैं तू शायद अपने दोस्तों में बैठता और वहाँ पे एक लड़की तेरी दोस्त है तू बदतमीज़ी करना है नहीं, नहीं करता ना। ना। तो यहाँ पे क्यों कर रहा है सही है तो एक्सपीरियंस लेने आया एक्सपीरियंस ले मैं भी उसी के लिए आया हूँ एक एक्सपीरियंस देने आया हूँ हैव दैट एंड गो ना क्यों किसी को परेशान कर रहे हो So we need to have our own plans right and we work according so to koi aisa worst incident hua jo aaj tak aapko yaad hai kyunki aap bol rahe ho 15 saal mein kafi bar hue aise incidents ko main yaad majorly nahi rakhta but uh, एक इंसिडेंट था जो शायद मैं नहीं भूल सकता विच वॉज अबाउट कारीगरों के साथ हुआ था वेर इन uh, एक बड़ा सा शो था आई वुड नेम द शो डी वाई पाटिल स्टेडियम पे हार्डवेल का शो था okay. 2017. okay. मैं वो show का senior project manager था स्टेज पे कुछ वेल्डिंग का काम चल रहा था इट वॉज अ हंड्रेड फीट स्टेज टॉल इनफ एंड स्टेज का इंचार्ज जो बंदा था वो वहाँ पर बैठा था क्रॉसिंग गार्डन में था प्रीवियस नाइट वहाँ पे पानी छिड़का गया था ताकि ग्लास ग्रीन रहे तो so, वहाँ पे वेल्डिंग करते करते ओवर हीट की वजह से एक वायर मेल्ट हो गया था ओके okay. वो स्केफोल्ड पे वेल्डिंग करने वाले करीबन एक पचास लोग ऊपर थे इट वॉज़ अव्यूज स्टेज अलॉट ऑफ टीम वर्किंग देयर और वो वेल्डिंग करते करते जब वो वायर मेल्ट हुआ तो उसका करंट पास हुआ वो मेटल स्ट्रक्चर oh, oh, oh. और जितने लोग ऊपर बैठे थे वो नीचे गिरते हुए हमने बारिश होती है ना वैसे बंदों की बारिश होते हुए हमने देखी ओके सो दिस इज़ वन इंसिडेंट इन माय लाइफ विच आई कैन नेवर फॉरगेट ऐसे बहुत एक्सीडेंट्स हुए हैं साइड्स पे गलती ना हो फिर भी होते हैं एक्सीडेंट्स की ऐसा नहीं था कि वो मशीन पुराना था दैट वाज अ ब्रांड न्यू मशीन वो ओवर हीट हुआ वो मोमेंट पे टेम्परेचर ने सपोर्ट नहीं किया एटमासफियर वॉज नॉट राइट हो सकता है और तुम एक अंदर छोटी सी बार देखने नहीं जाने वाले बट जब वो करंट पास ऑन हुआ तो जितने लोग शायद जमीन पे बैठे थे ना उनको भी करंट लगा बिकॉज ग्रास गीली थी आ, सही और करीबन एक सेवेंटी पीपलबर ओके इन टर्म्स ऑफ इंटरनल इंजरी और डेढ़ दिन दो दिन तक काम हमने बंद रखा था भले शो एक हफ्ते बाद ही था लाइक वी बोर ऑन लास्ट वीक ऑफ आर शो ऐसे ये इंसिडेंट मैं नहीं भूल सकता लाइफ में क्योंकि इट हैड लाइव्स है और लॉट ऑफ थिंग्स हैपन आउट देर किसी का शायद लिवर डैमेज हुआ किसी का हार्ट डैमेज हुआ किसी का लंग डैमेज हुआ गलती किसी की नहीं थी ऐसा तो कोई मतलब सोच भी नहीं सकता कि ऐसा कोई इंसिडेंट भी हो जाए करंट लग सकता है राइट सो इट इज़ समथिंग डैट कैन हैपन मैंने किसी को नियर टू डेथ जाते हुए देखा है ड्यूइंग ड्रग्स एंड ऑल ऑफ देट एट एन इवेंट मैंने लाइफ में बहुत गंदे इंसिडेंट्स देखे हैं ऐसे बट याद नहीं रखना वही बेटर है एंड इट जस्ट हैज टू बी देयर इन द बैक ऑफ द माइंड कि ऐसा कुछ फ्यूचर में कोई शो पे ना हो एंड वी कुड सेव समी इज लाइफ एंड कोई भी तरीके का बाद में वो हमारा कारीगर भी क्यों ना हो और एक ऑडियंस भी क्यों ना हो या सेलिब्रिटी भी क्यों ना हो सो वी हैव सीन अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस लाइक के के साथ हुआ कि एंड ही गॉट अ हार्ट अटैक एंड ही अवे तो देयर आर लॉट ऑफ आर्टिस्ट इंसिडेंट्स आल्सो तो बट फ्रॉम कारीगर टू योर आर्टिस्ट मेक श्योर एज एन इवेंट मैनेजर और अ प्लानर यू लुक एट ऑल ऑफ देम रीजन सब का काम बहुत इंपॉर्टेंट है किसी एक ने नहीं, नहीं किया ना तो तुम्हारा शो नहीं बनेगा सही आर्टिस्ट शायद वो दो घंटे के लिए आते हैं वो कारीगर पच्चीस घंटे से काम कर रहा है वो पच्चीस घंटे काम नहीं करेगा ना तो दो घंटे सो सबको एक नजरिए से देखो डोन्ट डिग्रेड एनी बडी एंड ऐसे इंसिडेंट मत होने दो ट्राई टू इग्नोर एज मच एज पॉसिबल कि यू कीप एक्स वाई जी थिंग्स टेक्निकली ऑन ग्राउंड इन टर्म्स ऑफ बिहेवियरल पैटर्न और ये सब तो ये सब चीज़ें आप सॉर्टेड रखो ताकि यू कैन कीप योर वेन्यू वेरी सिक्योर्ड एंड अ हेल्दी इन्वायरमेंट बेसिकली फॉर एवरीबडी टू एंजॉय सही है सूरज जैसी सिटी के अंदर देख देखो ये सबसे बड़ा ब्रांड है ठीक है जो आज इतना अच्छा क्राउड लेके आ सकता है और इतना अच्छा एक्सपीरियंस देता है अगर आप उधर जा रहे हो तो मेक श्योर sure आपकी साइड से भी कोई प्रॉब्लम ना हो और अगर हो रहा है तो आप उतना कॉपरेट करो नो राइट कोई भी प्रॉब्लम आई 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 वुड वुड गो क्ट पीपल ऑफ सूरत आर वेरी स्वीट इन दैट वे दे हैव एम्ब्रेस्ड एंटरटेनमेंट इन दी पास्ट 3 इयर्स इन अ वेरी डिफरेंट वे वो ट्रांजेक्शन दिखाए हम सबको तो पीपल वांट एंटरटेनमेंट वो कुछ लोग तो होते ही कुछ लोग तो होते ही सब उनको छोड़ दो छोड़। आप एंजॉय करो यू एम्ब्रेस द इवेंट यू गेट योर एंटरटेनमेंट आउट देयर यू गेट योर एक्सपीरियंसेस आउट देयर भूल जाओ ऐसे किससे होते रहेंगे और अगर लिखे और मेरी टीम में से कोई आसपास हो तो हमको आगे बोल देना वो शॉर्ट कर देंगे एक्सपीरियंस गंदा नहीं जाना चाहिए एक्सपीरियंस गंदा नहीं जाना चाहिए और एक आ, मैंने थोड़े दिन पहले पहले आपने एक स्टोरी रखी थी फ्री पासिस को ले कर हाँ ठीक है ना बहुत इंपॉर्टेंट है इसको एक पॉइंट को लाना है स्पोर्ट बैग में ऐसा आपके साथ नहीं होता होगा ऐसा हर एक इवेंट प्लानर के साथ होता होगा ट्रू इट इज पैन इंडिया इंडिया में ये पूरे तो ये ये पॉइंट इसीलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका पर्सपेक्टिव क्या था वो वो चीज़ को लेके कि जब कोई आपसे पासिस के लिए फ़ोन करे यार नील मेरे को आना है मैं गेट पे खड़ा हूँ या ऐसा चाहे वो आपका रिलेटिव हो चाहे कोई भी हो क्लोज वन हो गया या फिर ऐसा बंदा जिसने कभी आपको कॉल नहीं किया ठीक है थे? कैसा आपका ट्रीटमेंट रहता है सबसे और क्या होना चाहिए पर्सपेक्टिव इन टर्म्स ऑफ पासिस आई से कि सूरत सिटी में तुम फ्री पासिस के लिए कॉल करो ही मत पहली बात तो हाँ द रीजन इज आप मूवी देखने जाते हो तो किसको फोन लगाते हो अनुराग कश्यप को फोन लगाते हो या मुकेश अंबानी को फोन लगाते हो कि रिलायंस इज फाउंडर एंड दे आर दी प्रोड्यूसर्स ऑफ द फिल्म तो उनको फोन लगा के बोलते हो कि मुझे दो टिकट चाहिए तुम्हारी पहचान होगी वो तुम्हारा बाप नहीं ला देने वाला तुमको हाँ तुम देते ही हो ना यू पे फॉर एवरी पॉसिबल एंटरटेनमेंट तुम शॉर्ट्स जा रहे हो एक्सप्लोर्स जा रहे हो ब्लैक बनी जा रहे हो वूप जा रहे हो कोई भी गेम जोन जा रहे हो तुम वहां पर बोलिंग करने के लिए पैसा तुम दे देते हो ना दो सौ ढाई सौ तीन सौ अगर एक आधे घंटे की गेम के लिए अगर तुम 200 सौ ढाई सौ तीन सौ दे रहे हो तो एक पाँच सौ रुपये चार घंटे के इवेंट के लिए दे दो ना तुम फन को बैलेंस करो तुम एक्सपीरियंस को एक बार इवेल्युएट तो करो कि वॉट इज इट दैट वी आर गिविंग एट दी एंड वीन सौ रुपये में तुमको मैं वाइट फ्लीकिंग प्राइजिंग इज़ वेरी ओपन डे वन इज टू हंड्रेड डे टू इज टू फिफ्टी डे थ्री थ्री हंड्रेड मैं तीन सौ पकड़ के चलता हूँ तीन सौ रुपये में तुमको शाम को चार बजे से रात के ग्यारह बजे तक का एंटरटेनमेंट मिल रहा है कौन बाप देता है ये शहर में ये शहर में कोई नहीं ले सकता ये मेरी बेट है अगर कोई तीन सौ रुपये मैं इतना एंटरटेनमेंट दे देना दे तो मैं मान जाऊंगा उसको सबसे बेस्ट है ये सबसे बेस्ट इंटरटेनमेंट रहता है इनकी हाइट से और अगर आप फिर देखो रिस्पेक्ट करो हर एक बंदे अपने काम को लेके बहुत सही रहता है और आप तीन सौ चार सो मत देखो और चाहे इन्हें नहीं लेकिन किसी भी इवेंट प्लानर को कब कर इसके लिए मेरे पास दूसरा एग्जाम्पल भी है लाइक कुछ फ्रेंड्स मेरे भी है जिनको समझाने में मुझे भी कुछ टाइम लगा कुछ डायमंड इंडस्ट्री से कोई रियल एस्टेट की इंडस्ट्री से है। तो एक बार मैंने एक जन को पूछ लिया था मतलब तो तेरा फ्लैट सैंपल फ्लैट बना एक महीने के लिए मेरे नाम पे कर दे कर सकता है <laughs> कौन सा बिल्डर का बेटा आपको एक महीने के लिए या तो एक दिन के लिए भी अपने सैंपल फ्लैट में रहने के लिए देगा एक दूसरा फ्रेंड था डायमंड वाला वो भी वहां पर ही बैठा था तो ये पूरे मेरे ही ग्रुप में ये बातें हो रही थी मेरे दोस्त ही थे है इनफैक्ट तो मैंने पूछ लिया था तो तेरी फैक्ट्री में डायमंड बनता है ना एक डायमंड मेरे को दे देना देगा कोई नहीं देख कोई गलती से भी आ जाएगा ना तो मेरे घर पे आके छानबीन करके और नहीं सकते तो हो ये मेरा ब्रेड एंड बटर है। मेरा खाना पीना रहना मेरा घर मेरा बगला इसी से बनता है भाई तो ऐसे ऐसे लोग कॉल करते हैं जो कभी आपसे फोन ही नहीं किया मानोगे नहीं आई चेंज माई फोन नंबर लास्ट ईयर मेरा पंद्रह सोलह साल पुराना लाइक में अठारह का था अठारह साल पुराना फोन नंबर मैंने लास्ट ऑगस्ट में बंद कर दिया ये एक रीजन ये रीज़न्स ओ oh, हो oh, हो oh. मेरे फ़ोन बुक में शायद अभी चौदह हज़ार फोन नंबर्स होंगे ऑल अक्रॉस दी कंट्री इवेंट मैनेजर्स फ्रेंड्स कनेक्ट्स सब लोग जितने को मैं शायद एक्वेंटेंस पे जानता हूँ या एक बार भी मिला हूँ तो शायद किसी का नंबर मेरे पास हो सकता है वो चौदह हज़ार लोग में से शायद मेरे को चार सौ लोग भी हर साल में फ़ोन नहीं करते बट स्टिल आई हैव दो नंबर्स आई टॉक टू पीपल अराउंड नेशनल इवेंट्स में जाते हो अगर आपके कोई इवेंट मैनेजर दोस्त है ना तो उसको फोन करके खाली ये बात पूछो कि फ्री पास चाहिए उसको ये पूछो फ्रेंड्स एंड फैमिली का कोई पास है लाइक आई वुड नेम एन इवेंट स्पोकन फेस्टिवल होता है बॉम्बे आई आई एम वेरी क्लोज टू रोशन अब्बास दी फाउंडर ओनर ऑफ एन कम्पस एंड स्पोकन उनकी इवेंट है तो मैं उनको फोन करके ये नहीं पूछता कि मुझे फ्री टिकट चाहिए मैं अपनी टीम को लेके लास्ट ईयर पूरी टीम को लेके गया था स्पोकन पे तो वी हैव अ सेगमेंट कॉल्ड फ्रेंड्स एंड फैमिली टिकट ओके आप इंडस्ट्री के आर्टिस्ट हो आप शायद कोई ब्लॉगर हो आप कुछ और काम करते हो सोशल मीडिया का काम करते हो या सोशल चैरिटी का करते हो यू नो मी फ्रॉम योर्स अक्रॉस आपको पता है कि शायद ये शो की टिकट दो हज़ार रुपये की है फॉर एग्जाम्पल एक आर्टिस्ट का शो है जिसकी टिकट दो हज़ार रुपये यू वॉन्ट टू बी देर आस्क फॉर फ्रेंड्स एंड फैमिली टिकट ये वो टिकट होती है जिसमें हम बेजिक कॉस्ट निकाल लेते हैं कि दो हज़ार की टिकट मैं सात सौ रुपये में दे दूंगा सही है एटलीस्ट कॉस्ट आप डिस्काउंट तो मिल गया पर वो सात सौ रुपये मेरा एक्सपेंस तो मैं निकालू एंड आई हैड पेड ट्वेल्व टिकट्स आट स्पोकन एंड वाई वेंट देयर विद माई टीम मैं पे करके गया था मैं चाहता तो फ्री जा सकता था मेरे को यह इंडस्ट्री में पंद्रह साल हो चुके हैं मेरे को कोई रोकने वाला नहीं होता बट आई डोंट वॉन्ट टू डू देट डोंट स्प्रेड अ नेगेटिव इम्पैक्ट इन द इंडस्ट्री क्योंकि वो सात सौ रुपये की टिकट से वो बंदा नहीं कमा रहा है ये तो मेरे को मालूम ही है और कमा भी रहा है तो उसके हक का है हाँ सही वो मेहनत कर रहा है ना उसके पीछे इसके इसके पीछे मेहनत बहुत लगती है और ऐसे ही फ्री का तो पास कोई भी हो यार आप... इतना तो एटलीस्ट तो स्पेंड कर ही सकते हो exactly. आपके लिए या, वो एक्सपीरियंस आपको होगा पर्सनल ऐसा नहीं कि आप किसी और के लिए कर रहे हो ठीक exactly. है ना वो आपके लिए है और अपने आप को एक्सपीरियंस बेस्ट ही देना चाहिए लेकिन अगर उसके लिए पैसा खर्चा करना पड़े तो कर ही दो यार राइट right. ठीक है सूरत के अंदर है के इवेंट इंडस्ट्री काफी ग्रो भी हुई है इतने सालों में मैं देख रहा हूँ आने वाले पाँच साल मैं ऐसा टाइम नहीं बोलूंगा लेकिन फ्रॉम योर परस्पेक्टिव ये फील्ड कहाँ जाने वाली है सूरत के लिए सूरत इज़ द नेक्स्ट बिग मार्केट फॉर द कंट्री खाली गुजरात के लिए नहीं बोल रहा अहमदाबाद को पीछे छोड़ सकता है खाली ये सोचो कि अहमदाबाद में अगर मार्टिन गैरेक्स विदाउट अल्कोहल परफॉर्म करके 6,000-8,000 लोग गैदर कर सकता है तो सूरत इज़ द नेक्स्ट बिग थिंग अहमदाबाद में खाली आर्टिस्ट शोज होते हैं मेजरली बाकी की चीज़ें जो यहाँ पर कल्चरली डेवलप हो रही है दिस सिटी इज़ गेटिंग रेडी एज एज अ कल्चरल सेट तो ये शहर में बहुत पोटेंशियल है बट ये अंडरस्टैंडिंग सब चीज़ों का इकट्ठा होना चाहिए कि जहाँ पे पासिस वाली जो बात आ गई बिहेवियरल पैटर्न्स आ गए लोगों के ऑडियंस में से कि कुछ किससे हो जाते हैं तो ये सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन है अगर ये सब चीज़ें सिंक में रही सब सेफ रही तो ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी होने वाली है एंड दिस इज जस्ट द बिगनिंग वाइटली ये शहर का सबसे बड़ा शो भले आप बोल रहे हो अभी आई कंसिडर कि ये शहर में इससे बड़े शोज होंगे बहुत जल्दी और शायद मैं नहीं मैं मेरे अलावा कोई और भी कर लेगा बट इससे बेटर शोज ये शहर में इससे मतलब कि एक बहुत बहुत खुशी की बात है अपने सिटी को ग्रो होते हुए देखना चाहे कोई और भी आके करे लेकिन ये शो होने चाहिए एग्जैक्टली ये और ये सूरत के अंदर पब्लिक भी बहुत अच्छी है <laughs> सूरती सूरती लोग ही एकदम डिफरेंट <laughs> मीठा होता है ना बोलते <laughs> पिलाने वाले शौकीन <laughs> लोग है तो यार हम जैसे लोग यहाँ पे फुटपाथ पे बैठ के खाना अगर खा ले तो हम कुछ भी कर सकते हैं <laughs> exactly, कुछ भी कर सकते हैं सही है सही है तो ये पॉडकास्ट को मैं इधर ही एंड करूँगा और मैं अपने व्यूवर्स को बोलूंगा ज्यादा से ज्यादा पॉडकास्ट को शेयर करो नील चौकसी की स्टोरी को शेयर करो एंड यस yes, अच्छे अच्छे कमेंट्स करो क्या आपने इस चीज़ से सीखा और क्या क्या आपके क्वेश्चंस और भी है ऐसा हो सकता है आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हो कमेंट्स में लिखो हम लोग ऐसा होगा तो फिर से एक और पॉडकास्ट करेंगे आपके क्वेश्चंस को लेके एंड यस और नील भाई आपको भी मैं बहुत मतलब कि आगे जाके आपको वेल विश देता हूँ कि आप बहुत इस ब्रांड को बहुत अच्छा ग्रो करो थैंक यू फॉर कमिंग इन माई पॉडकास्ट आई होप आप अच्छे से और आगे काम करो राइट नहीं नहीं शेयर करेंगे थैंक यू थैंक यू थैंक यू